खबर नीमच से जानकारी के अनुसार बता दें, दोपहर 1:15 बजे मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई। 1:20 पर अचानक आपातकालीन सायरन बजा, जवानों को भूकंप आने की सूचना दी गई। क्योंकि जवानों को पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, इसलिए घबराए नहीं बल्कि सावधानी से डेस्क के नीचे सड़क कर बैठ गए। भूकंप थमने के बाद खुले स्थान पर इकट्ठा हुए जहां उनको हेड काउंट किया गया। ये ड्रिल करीब 80 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान अभ्यास में NDRF के 32 जवान कर्मी मौजूद थे। ड्रिल के दौरान जिला दंड अधिकारी मयंक अग्रवाल घटनास्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू करा। आपको बता दें, इसी बीच सूचना मिलती है कि कुछ लोग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में फंसे हैं, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था, परंतु NDRF की टीम रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता रोप तकनीकों का इस्तेमाल कर बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पूरे भारत में 16 टीमें काम कर रही हैं, किस प्रकार से आप लोग जो है सहायता प्रदान करते हैं किसी भी प्रकार की आपदा में, और किस प्रकार से आपकी टीम जो है पारंगत है हर काम? मैं 11 NDRF से टीम कमांडर इंस्पेक्टर राजेश मीणा। हमारी टीम RRC भोपाल से आई है। यहाँ पे अभी मॉक ड्रिल की है हमने CSR संबंधी, जैसे कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर हो जाता है, भूकंप आने से वो गिर जाता है, तो उसमें किस तरह से हम रेस्क्यू कर सकते हैं, किस अगर रोप रेस्क्यू की मदद से अगर मल्टी सिटी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उससे वो विक्टिम को किस तरह निकाला जाता है। ऑल इंडिया में NDRF की टोटल अभी 16 बटालियन है जो ऑल इंडिया ऑपरेशन करती है। हमारी बटालियन का AOR MP और उत्तर प्रदेश दो स्टेट हैं, और उसमें हमारे AOR में ऑपरेट करते हैं, और जब अगर कोई आपदा आती है उस दौरान हम आपदा में रेस्क्यू करते हैं, और जब आपदा नहीं आती है उससे पहले हम तैयारी करते हैं, जिसमें इस तरह से मॉक ड्रिल करते हैं, स्कूलों में स्कूल सेफ्टी करते हैं, CFP करते हैं, जिससे कि हमारे AOR के इलाके के लोग जागरूक हो सके, और इस तरह की आपदा आती है तो जब तक हम नहीं पहुँचते हैं उससे पहले ऑपरेशन करके वहाँ के लोगों को त्वरित सहायता पहुँचा सके और NDRF का सहयोग कर सके। एक टीम में कितने सदस्य लगभग होते हैं, और वो जो टीम में सदस्य रहते हैं वो किस किस विधा में पारंगत है? हमारी टीम में टोटल 45 स्ट्रेंथ होती है एक टीम की, और इंस्पेक्टर उसका टीम कमांडर होता है, और टीम पूरी तरह से इक्विपमेंट होती है जिसमें हम कटिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई ड्रोनिंग का केस है तो हमारे पास डीप ड्राइव सेट होता है, जिससे कि हम विक्टिम को लोकेट करके डीप ड्राइव के सेट की मदद से पानी में जाके उसको भी निकाल सकते हैं, और उसके अलावा CBRN से संबंधित ऑप्स भी करते हैं, जिसमें अगर कोई केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल से संबंधित कोई ऑप्स है तो उसमें हमारे इक्विपमेंट है उनको लगा के हमारी टीम ऑपरेट करती है। जैसे अभी उज्जैन में हुआ था एक कांड LPG बॉटलिंग का, सुना होगा, तो उसमें हमारी टीम गई थी और वहाँ पे हमने रेस्क्यू करके दो जो उसमें बॉटल प्लांट में ट्रैप्ड हो रखे थे उन लोगों को हमने रेस्क्यू करके निकाला। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर राजेश कुमार मीणा, RRC।